अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट पोर्शन कर लिया था। आज हम उसका सेकंड पोर्शन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट 50 MCQs के आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास वो फाइल होगी तो आपको आइडिया होगा कि ये वाले क्वेश्चंस सारे दिए हुए हैं फर्स्ट पोर्शन में। तो यहाँ पर आप देखें आपने करना क्या है, डायरेक्शन जरा देखें कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड मार्क्ड ए बी सी एंड डी सेपरेटेड बाय स्लैश। चूज द ऑप्शन इन विच द वर्ड इज बोल्ड इन वर्ल्ड इन बोल्ड इज इनअप्रोप्रिएटली यूज्ड। ठीक है, अब वो कह रही है सेंटेंसेस जो आपको दिए हुए हैं, इन सेंटेंसेस में अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पोर्शन है, दिस इज पोर्शन ए। ठीक है, फिर ये वाला पोर्शन अलग है यहाँ से पोर्शन बी, फिर ये वाला हो जाएगा पोर्शन सी। ठीक है, आपने देखना है कि किस पोर्शन में क्या गलती है जिसकी वजह से ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो एक पोर्शन ऐसा होगा कि जिसमें या तो गलती होगी या फिर पूरे सेंटेंस में कहीं पर कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आए जरा इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देखते जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, और उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? द सेंटेंस हेयर कंपेयर्स टू एक्सपोर्ट्स दिस ईयर विद दोज अ ईयर अर्लियर। द एडजेक्टिव प्रायर मीन्स समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर एंड नॉट प्रीवियस। ठीक है, तो इसलिए यहां पर सी ऑप्शन इज एक्चुअली द वन के जहां पर मिस्टेक है, और वहां पर जो प्रायर लिखा हुआ है, प्रायर नहीं बल्कि वर्ड होना चाहिए था प्रीवियस। अब आते हैं सेंटेंस नंबर टू की तरफ। इसमें वो कह रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट हैज अ कॉन्स्टेंट यूज ऑफ वर्ब्स सेकेंड फॉर्म। ठीक है, एक्सेप्ट इन डिलीवर विच इज फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने पैरेलिज्म वाला पढ़ा था कि जब एक तरह के फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यूज हो रहे हैं तो फिर वो उसी तरह कंटिन्यू होंगे। अब वो सब में वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज हो रही है जबकि बीच में डिलीवर यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, और ये वाली मिस्टेक किस पोर्शन में है? डी पोर्शन में। अच्छा, अब आते हैं सेंटेंस नंबर थ्री की तरफ। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप लीडरशिप ऑफ मोर देन वन कंट्री द वर्ड हेड इन द सिंगुलर फॉर्म इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब वो मुख्तलिफ कंट्रीज के हेड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पर जो मिस्टेक है वहां पर उन्होंने लिखा हुआ द हेड ऑफ द, ठीक है, हेड नहीं हेड्स है। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज के हैं, ज्यादा हेड्स हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन वो है कि जहां पर गलती है। अब आते हैं सेंटेंस नंबर फोर की तरफ। व्हाइल एक्सेस सिंपली मीन्स मोर ऑफ समथिंग, एक्सेसिव रेफर्स टू समथिंग दैट इज मोर रीजनेबल और डिजायरेबल। ठीक है, तो जहां पर एक्सेस लिखा हुआ है, एक्सेस गलत है, बल्कि उसकी जगह पर एडजेक्टिव हम यूज करेंगे एक्सेसिव। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन वो वाला ऑप्शन है कि जिसमें ये गलती होगी। अच्छा, नंबर फाइव की तरफ आते हैं। द एडजेक्टिव प्रेवलेंट मीन्स समथिंग दैट एग्जिस्ट व्हाइल रेलिवेंट रेफर्स टू अ थिंग दैट पर्टेन्स टू समथिंग और समबडी। ठीक है, अब ए ऑप्शन में गलती ये है कि वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है प्रेवलेंट, जबकि प्रेवलेंट करेक्ट ऑप्शन नहीं है बल्कि रेलिवेंट इज द राइट ऑप्शन। नंबर सिक्स की तरफ आते हैं। व्हेन वी यूज द फ्रेज वन ऑफ द, ठीक है, जैसे हमने लेक्चर्स में भी यूज किया हुआ है कि वन ऑफ द के बाद आप प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जबकि वहां पर सिंगुलर यूज किया हुआ है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है इसमें मिस्टेक है, और वन ऑफ द के बाद सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल यूज होगा। सेंटेंस नंबर सेवन की तरफ आते हैं। हियर वी आर रेफरिंग टू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ टुडे, ऑफ टुडे यानी आज की, सो देयर शुड बी एन एपोस्ट्रोफी एस विद टुडे। ठीक है, तो इसलिए हम टुडे यूज नहीं करेंगे, वहां पर यूज करेंगे टुडेज, ये वहां पर मिस्टेक है। अच्छा, अब आते हैं सेंटेंस नंबर एट की तरफ। एडवाइस इज अ नाउन व्हाइल एडवाइस इज द वर्ब। ठीक है, तो हमें वहां पर चाहिए होगा नाउन, ठीक है, जबकि वहां पर वर्ब एडवाइस लिखा हुआ है, जबकि हमें
नाउन एडवाइस चाहिए, तो इसलिए सी में मिस्टेक है। नंबर 9, द वर्ड सजेशन इज अ नाउन एंड नॉट अ वर्ब। ठीक है, विल के बाद हम वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, जबकि वहां पर लिखा हुआ है सजेशन जो एक नाउन है, तो ये गलती होगी, बल्कि सजेशन नहीं बल्कि सजेस्ट आएगा। अच्छा, आप आते हैं सेंटेंस नंबर 10 की तरफ। द रेफरेंस हियर इज टू द क्रेडेंशियल्स ऑफ चौधरी। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर ऑफ अ नाउन, बात हो रही है चौधरी के बारे में, ठीक है, जबकि वहां पर उन्होंने प्रोनाउन यूज किया हुआ है इट्स, जबकि चौधरी के लिए इट्स प्रोनाउन नहीं बल्कि हिज प्रोनाउन यूज होगा। सेंटेंस नंबर 11, द कंपनी वॉज रिसेंटली शुड बी फॉलोड बाय अलॉटेड एंड नॉट अलॉट। ठीक है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है, और यहां पर द कंपनी वॉज, ठीक है, इसके बाद अगर आप वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी आपने अलॉटेड यूज करना है, जबकि वहां पर यूज हुई है फर्स्ट फॉर्म अलॉट, ये गलती होगी। नंबर 12, द सेंटेंस डज नॉट हैव एनी एरर। सेंटेंस नंबर 12 में कोई मिस्टेक नहीं है। नंबर 13 की तरफ आते हैं, दे शुड टेक वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, एस या ईएस यूज नहीं होगा, जबकि यहां पर लिखा हुआ है ऑफर्स, यानी दे ऑफर्स, जबकि दे ऑफर्स नहीं, दे ऑफर आएगा, ये मिस्टेक है। नंबर 14, द इनडेफिनेट आर्टिकल अ सिग्निफाइज दैट देयर इज वन ऑफिशियल हु इज स्पीकिंग, जबकि वहां पर ज्यादा ऑफिशियल्स की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए आप यहां पर इसके साथ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आज सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, जबकि यहां पर ज्यादा ऑफिशियल्स के बारे में बात हो रही, तो आपने जो है उसे ओमिट कर देना है। अच्छा, अब नंबर 15 की तरफ आते हैं, द वर्ड लॉस इज अ नाउन एंड इंप्लाइज द एक्शन ऑफ लूजिंग समथिंग, द वर्ड लूज एंड नॉट लॉस शुड बी यूज्ड हियर। ठीक है, वहां पर आपको वर्ब चाहिए, जबकि लॉस जो है वो एक वर्ब नहीं, वो एक नाउन है, जबकि आपको इसका वर्ब यूज करना है, और वर्ब क्या है, लूज। नंबर 16 की तरफ आते हैं, हियर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एक्वायर शुड बी यूज्ड, नॉट द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी। ठीक है, यानी वहां पर लिखा हुआ है टू एक्वायरिंग नहीं बल्कि टू एक्वायर वहां पर आएगा। अच्छा, आप देखते हैं नंबर 17 को, द फ्रेज वन ऑफ द, ठीक है, अगेन वही बात आ जाती है कि हमने पढ़ा था कि वन ऑफ द के बाद आप यूज करते हैं क्या, फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द प्लूरल फॉर्म, जबकि सेंटेंस में सिंगुलर लिखा हुआ है, वहां पर प्लूरल होना चाहिए। सेंटेंस नंबर 18, हियर वी आर रेफरिंग टू द वेरियस फीचर्स और क्वालिटीज ऑफ द स्मार्टफोन, सो द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहां पर इसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट द वेरियस फीचर्स। नंबर 19, द नाउन टेस्ट मीन्स समथिंग दैट वन लाइक्स, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कैमरा माइट मैच द एक्सपेक्टेशन ऑफ द DSLR यूजर्स। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, टेस्ट। नंबर 20 की तरफ आते हैं, Here we are comparing one product with another and suggesting one looks like the other. ठीक है, तो इसलिए so the B option जो है version is the most suitable alternative. 21st की तरफ आते हैं, metallic is an adjective and can best describe the red ring, the subject here. ठीक है, तो इसलिए वहां पर मेटेलिक इज द राइट ऑप्शन, और वो कौन सा ऑप्शन है, दैट इज द डी ऑप्शन। 22nd की तरफ आते हैं, सिंस व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू इज अ क्वालिटी दैट द फोन अपेरेंटली हैज, और ठीक है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा क्लेम्स। ठीक है, और क्लेम्स इज ऑप्शन नंबर सी। 23rd की तरफ आते हैं, द सब्जेक्ट वन In this context, we'll take verb's first form or the first form of the verb, which is indulge here. ठीक है, तो यहां पर आपने indulge correct option होगा, और जो कौन सा option है, option number D. 24th की तरफ आते हैं,
एज अ रूल द प्रोनाउन दैट फॉलोज वन शुड बी फॉलोड बाय वंस। ठीक है, जब हम वन के पोजेशन के बारे में बात करेंगे तो ये हर या देयर नहीं बल्कि वंस आपने यूज करना है। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट वन। 25th, द रेफरेंस हेयर इज टू द टू मोड्स ऑफ द कैमरा। ठीक है, तो इसलिए बात हो रही है मोड्स ऑफ द कैमरा की, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सी। 26th की बात करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इज द मोस्ट सुटेबल हेयर। ठीक है, तो आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी यूज्ड इस्तेमाल करना है और वो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अच्छा, नंबर 27, व्हाइल अफेक्ट इज अ वर्ब एंड इफेक्टिव इज एन एडजेक्टिव, दीज कैन नॉट बी करेक्ट। ऑफ अदर टू अल्टरनेटिव्स, इफेक्ट विच इज अ नाउन इज मोर सुटेबल। ठीक है, यानी इफेक्ट इज द राइट ऑप्शन और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 28th की तरफ आते हैं, द साइज ऑफ द अपर्चर हेयर विल टेक वर्ब्स सेकेंड फॉर्म। ठीक है, विच इज एडजस्टेड, एडजस्टेड इज द राइट आंसर और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 29th की बात करते हैं, द सब्जेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज द कैमराज शटर। ठीक है, स्पीड, तो इसलिए शटर इज द राइट ऑप्शन और ऑप्शन कौन सा, ये वाला डी। 30th की बात करते हैं, द सब्जेक्ट हेयर विल टेक फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अच्छा, अब बात करते हैं 31st की, इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द नंबर ऑफ ईयर्स बोथ मेन एंड वुमेन बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है और वो कौन सा है कि द नंबर ऑफ ईयर्स बोथ मेन एंड वुमेन। ठीक है, दिस इज द बी ऑप्शन। सेंटेंस नंबर 32nd की तरफ आते हैं, इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट अवॉइडेड बीइंग ड्रॉन इनटू इज ग्रामेटिकली द मोस्ट सूटेबल और ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 33rd की तरफ, हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट गेट अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है और ये कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 34th की। ठीक है, सेंटेंस नंबर 34th में वो कह रहे थे कि द करेक्ट यूजेज इज समबडी फ्लोकिंग टू समथिंग। ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अच्छा, फिर हम बात करते हैं 35th की, इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट मोदीज कंपेलिंग विक्ट्री गेट्स कंप्लीटेड, ठीक है, विद ग्रामेटिकली करेक्ट विल अश्योर हिम ग्रेट कंट्रोल। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है और ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं 36 की, सिंस द इंडेक्स इज अ नॉन लिविंग थिंग इट विल टेक पोजेसिव, इसका कौन सा होगा, इट्स। ठीक है, तो इट्स इज द राइट आंसर और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 37 की तरफ, इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट डिस्पाइट अ पॉपुलेशन ऑफ 1.2 बिलियन द डिप्लोमेटिक कॉर्प्स इज बियरली लार्जर देन सिंगापुर, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं सेंटेंस नंबर 38 की तरफ, इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, विच हैज इन मोर रिसेंट टाइम्स यूज्ड ऑफ इट्स ऑयल वेल्थ, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है और ये है ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 39 की, इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट दिस वॉज मोर देन एनी अदर ट्रेन ऑफ द कंट्री। ठीक है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर और हमारे पास ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं 40th की तरफ, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन अपेरल इज ऑल्सो अपेरल। ठीक है, जो जैसे हमने पढ़ा था जीरो प्लूरल के बारे में,
कि वो नाउन्स के जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 41st। इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट वी एसोसिएट विद आवर मदर्स, ठीक है। लुक एट दिस आंसर, वी एसोसिएट विद आवर मदर्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 42nd की तरफ आते हैं। व्हेन द रेफरेंस इज टू एनी ऑफ द टू थिंग्स वी यूज ईदर, ठीक है। जैसे हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया कि ईदर दो के बारे में यूज होगा, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। अच्छा, फिर आते हैं 43rd की तरफ। इक्विपमेंट इज अ नाउन दैट रिमेन्स द सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, जैसे इक्विपमेंट, जैसे फर्नीचर, तो ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम ही रहेगा, ये प्लूरल ही रहेगा। तो इक्विपमेंट इज द राइट वन, और ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, सी ऑप्शन। नाउ 44, इट इज मोर लाइकली फॉर प्रिजन ऑफिशियल्स टू रेकमेंड समवन्स रिलीज फ्रॉम जेल देन टू ऑर्डर रिक्वेस्ट और एडवाइस, ठीक है। तो इसलिए रेकमेंड इज द करेक्ट आंसर, और ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। सेंटेंस नंबर 45, इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ हैकर ग्रुप इज अ कलेक्टिव नाउन दैट विल टेक दैट एज इट्स रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी। 46, असेइंग रेफर्स टू चेकिंग अ मेटल और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे का मतलब है किसी मेटल की प्योरिटी को चेक करना, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। द वर्ड रिलेटिव इज यूज्ड, ठीक है, फॉर इंप्लाइंग कंपैरिजन, सो इट्स ऑलवेज फॉलोड बाय द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा डी। 48, ऑर्डर ऑर्डर एक्चुअली मीन्स स्मेल इज अनदर वर्ड फॉर स्मेल स्पेशली एन अनप्लेजेंट वन, तो ऑर्डर इज द राइट आंसर, और ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए। 49th की बात करते हैं। हाई रेजोल्यूशन कैमराज मोस्ट लाइकली विल बी फॉर सेफ्टी ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट सेंटेंस इस सेकेंड पोर्शन का, फॉरगॉटन, ठीक है, इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव इन दिस गिवन कॉन्टेक्स्ट, सो फॉरगॉटन इज द राइट आंसर, और ये कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के जिनके आंसर्स हमने डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 50 आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।